बहुत बधाई देता हूँ आप इनको, इनको इस रीजन का ये पहला इथेनॉल प्लांट का शिलान्यास हो गया है। ये 60 केएलपीडी का है, ये 100 तक आगे जाएंगे। इनके पास जमीन भी है, ग्रीन फ्यूल यूज करेंगे और करीब 250 लोगों को रोजगार देंगे। इसके अंदर करीब 95 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, इसका एक्सपेंशन भी होगा और इसमें बैंक से इनको 82 करोड़ रुपए का लोन का भी सेंक्शन लेटर आज इनको दे दिया जाएगा। तो ये काम शुरू हो गया, ये काम जमीन पर है, ये हवा में नहीं है। ये काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग इसको करने जा रहे हैं। हम लोगों का है कि किसान की आमदनी भी बढ़ेगी। ये मक्का का कटोरा है ये इलाका, यहाँ का मक्का यहीं पड़ाएगा, किसानों को दाम मिलेगा, उससे कई इंडस्ट्री लगेगी। और जो बिचौलिया है, उसको जो बिचौलिया ले जाता था, दामे नहीं देता था, पैसा लेके भाग जाता था, यहाँ पर कई बार चौरसिया जी लोग रिपोर्ट करते थे कि मक्का लेके पंजाब भाग गया, देवे नहीं कर रहा है, यहाँ पत्रकार कहते थे, हम उनको पकड़ते थे। अब ये सब चीज़ खत्म होने को हो गई। ये नौगछिया के इतिहास में सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि आज यहाँ इथेनॉल इंडस्ट्री यहाँ पर लगने जा रही है। इसके लिए मैं पूरा साहू एग्रो को, साहू परिवार को बहुत बधाई देता हूँ। और यहाँ एक इंडस्ट्री लग रही है तो कई इंडस्ट्री लगेगी इसको लेकर। ये बहुत बड़ा कदम है, जितनी तारीफ की जाए कम है। नीतीश कुमार जी ने एक सपना देखा था 2007 में कि ग्रेन से इथेनॉल बनाने का, वो आज पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में ग्रीन एनर्जी बढ़ेगी। अब इथेनॉल का फ्लेक्सी इंजन आ रहा है, यानी 20% मिक्स करने की जगह पेट्रोल में 100% भी इथेनॉल से गाड़ी चली जा सकती है। तो ये 62-65 रुपए में मार्केट में होगा और पेट्रोल 100 रुपए लीटर होता है, तो कौन पेट्रोल डलवाएगा, सब इथेनॉल ही डलवाएंगे। और बिहार में सबसे ज्यादा मक्का होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा कि पिछली बार जब मुंगेर आए थे तभी उन्होंने उद्योग विभाग को बहुत बधाई दी थी। मैं मुख्यमंत्री जी को ये वचन देता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने इथेनॉल के लिए सोचा है, उसको 100% उस पर हम लोग खड़े उतरेंगे। और किसानों के आमदनी बढ़ाने का इससे बड़ा कोई उपाय नहीं होगा, ये किसानों के लिए बहुत बड़ा काम है। माननीय उद्योग मंत्री श्री शहनवाज हुसैन जी के कर्मलों द्वारा हम लोगों को ये सौजन्य मिला है कि हम लोग 60 केएलपीडी का ये इथेनॉल प्लांट इस भूमि पर लगा पा रहे हैं। और 95 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसमें 250 लोगों को नौकरियां मिलने वाली है। इसमें हम लोग करीब 75 टन ग्रीन फ्यूल यूज करेंगे, जो कि मस्टर्ड का जो कचरा होता है जिसको फेंका जाता है, उसके बाद धान का जो भूसी होता है, उसके बाद लारा होता है, कई ऐसे चीज हैं। उसके बाद हम लोग इस प्रोजेक्ट को 15 जनवरी 2023 तक इसको संपन्न कंप्लीट करना है। आज का कार्यक्रम था कि हमारे कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन है, समारोह है और इथेनॉल प्लांट का भूमि पूजन है। बिहार में लगभग नहीं है ये, हम लोगों ने लगभग 25-30 कोल्ड स्टोरेज घुमा, जो जब सबका जो अच्छा टेक्नोलॉजी था सबको यहाँ एडप्ट करके एक अच्छे टेक्नोलॉजी का कोल्ड स्टोरेज बनाया।